हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं मलाई से एक ऐसी रोटी बनाऊंगी, इसको कई जगह बाटी भी कहते हैं, बाटी विद रोटी भी कहते हैं, मोमन की रोटी, अनाकरी, गुथेमा रोटी कहते हैं। यह बहुत छोटी छोटी बनाई जाती है और इसको बनाना बहुत सिंपल है। ये रोटी बहुत क्रिस्पी और भुरभुरी बनती है। अगर ये रोटी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए भुरभुरी रोटी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने गेहूं का आटा, मलाई, ये हमने ताजी मलाई ली है, अजवाइन, नमक और गुनगुने पानी की जरूरत है। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेते हैं और गेहूं के आटे को उसमें निकाल लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, अजवाइन डाल देते हैं, अजवाइन का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें मलाई डाल देते हैं। पहले अभी हम थोड़ी मलाई डालते हैं, अगर हमें कम लगती है तो हम इसमें और ऐड कर लेते हैं। फिर हम मलाई को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारे आटे में मलाई बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है एकदम। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका आटा गूंथ कर तैयार करते हैं। इसका आटा हम थोड़ा टाइट गूंथ कर तैयार करते हैं और गुनगुने पानी की मदद से ही हम इसका आटा जो है वो गूंथ कर तैयार करते हैं। ये हमारा आटा जो है वो गूंथ गया है, लेकिन थोड़ा हमने टाइट ही से गूंथा है। इसे अब हम ढक कर साइड से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट बाद ये हम देखेंगे हमारा आटा जो है बिल्कुल सेट हो जाता है। इसे थोड़ा मल लेते हैं। मलने से ये वाली रोटी हमारी जो है बहुत अच्छी बनकर आती है। ये रोटी बहुत क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब हम आटे में से एक छोटा पार्ट लेंगे और इसे रोल करते रहेंगे। फिर इसकी छोटी छोटी लोई तोड़कर रख लेंगे प्लेट में। ये अगर आप छोटी छोटी रोटी बनाते हैं इसकी तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमने छोटी छोटी लोई तोड़ी है। फिर इसे गोल करते हुए एक प्लेट में रख लेते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हम थोड़ी सी एक लोई लेंगे और इसे सूखे आटे में डिप करते हुए इन्हें बेल लेते हैं। ये देखिए, इसे छोटी छोटी इसे हम बेल के एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी रोटी जो है वो बेल कर रख लेते हैं। छोटी छोटी देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमने इस तरीके से बेल कर रख ली है और इधर हमने तवा जो है वो गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम जब तवा थोड़ा गरम हो जाए हल्का सा, हम इन रोटी को इस पे डाल देते हैं। एक बार में हम 5-6 रोटी आराम से इस पे सेक लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी होती है। तो और फिर हम जब मीडियम गैस पे इन्हें सेकते, जब हल्की सी ये नीचे से सिकने हो, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, हम इसे पलट देते हैं और हाथों की मदद से इसे इस तरीके से शेप दे देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसे शेप दिया है। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे क्योंकि ये गर्म हो जाती है, तो आप चिमटे से भी इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरीके से करी है। फिर हम दूसरी गैस को ओपन कर लेते हैं और इन्हें उस पे रोटी की तरह सेक लेते हैं। पलट पलट के चिमटे की मदद से उसे पकड़ के सेक लेते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने उस तवे पे, हम बिल्कुल गैस सिम कर देते हैं, नहीं तो वो रोटी जल जाएंगी तवे पे, और उन्हें उड़े देते हैं और एक दूसरी गैस पे इन्हें सेक लेते हैं। नहीं तो आप वो गैस बंद कर सकते हैं, तवे को अलग उठा के रख सकते हैं और उसी गैस पे भी ये रोटी सेक सकते हैं। और इन्हें घी में डिप कर देते हैं। जैसे हमने एक घी को पिघला के रख लिया था, उसे हमने उस पर डिप कर दिया है। इस तरीके से हम बाकी बची रोटी पे भी इसी तरह शेप देते हुए इन्हें सेक लेते हैं गैस पे। देखिए, हल्की सी नीचे से दोनों तरफ से सिक गई है, तो इसे भी हम गैस पे सेक लेते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसे आप दाल के साथ खाइए बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे भी हम घी में डिप कर लेते हैं। अगर आप घी थोड़ा कम करना पसंद करते हैं तो आप घी ऊपर से भी हल्का सा लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना घी के, ये तब भी अच्छी लगती है। लेकिन घी में डिप करने से रोटी का टेस्ट जो है और भी भर जाता है और स्वादिष्ट लगती है। इस तरीके से हमारी ये मोमन की रोटी,
बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ मोमन की रोटी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।